हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, अपनी जिंदगी काम में कहीं ना कहीं बिजी होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात होगी कि आज से एक साल पहले मैंने स्विगी में ज्वाइनिंग किया था और स्विगी ने ज्वाइनिंग के टाइम पर मुझे एक बैग, दो टी शर्ट और 450-450 रुपये लिए थे। और उसके बाद आज स्विगी कंपनी ने मुझे एक बैग और दो टी शर्ट दिया है बिल्कुल मुफ्त, फ्री में। जी हाँ, उसी के बारे में इस वीडियो में बात होगी। साथ में ये भी बताऊंगा जो मुझे मिला है उसकी क्वालिटी कैसी है और ये कब मिलता है, क्यों मिलता है, और इन सारी बातों पर मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो मैं इससे पहले आपको बता देता हूं, मैं हूं शाहवेज मुंबई से। अपने चैनल शाह बिजनौरी पर एक बार मैं फिर वेलकम करता हूं। तो वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ब्रो एक बार चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं लेटेस्ट अपडेट, इसी तरीके अपडेट, नई नई वीडियो आपके लिए कंटिन्यू इन फ्यूचर भविष्य में लाता रहूंगा। तो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं पॉइंट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, स्विगी में ये पहला बैग था जो ज्वाइनिंग के टाइम पे मिला था। अब ज्वाइनिंग के टाइम पे मुंबई सिटी में ये बैग नहीं मिल पा रहा है, इससे बड़ा बैग मिल रहा है, इस टाइप का बैग मिल रहा है। लेकिन ये जो बैग है, ये बैग उन्हीं लोगों को मिल रहा है जिनकी ज्वाइनिंग पहले से है स्विगी में, उनको 6 महीने से ज्यादा काम करते हुए हो गया है। बैग यही मिल रहा है लेकिन उसका कलर ब्लैक है और वो साइज में थोड़ा छोटा है। अब ये पूरा बैग मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा, कैसी क्वालिटी है, वाटरप्रूफ है, वाटरप्रूफ नहीं है, खाना आपका पार्सल इसमें सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, सारी चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ में इस बैग के साथ दो टी शर्ट भी मिली है, आप देख रहे होंगे, ऑरेंज कलर की। ज्वाइनिंग के टाइम पे जो टी शर्ट मिली थी ये मिली थी जो मैंने पहन रखी है, ब्लैक कलर की। लेकिन अब जो मुझे मिली है बिल्कुल फ्री में, दो टी शर्ट और एक बैग मिला है जिनका कलर आपके सामने क्लियर है, ऑरेंज कलर का। अब इनकी क्वालिटी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ टी शर्ट की। टी शर्ट का मैं आपको साइज बता देता हूँ, जब भी आप स्विगी ऑफिस में जाएं और अपनी टी शर्ट लें तो साइज जरूर बताएं उनको कि आपका साइज क्या है, एक्सएल है या डबल एक्सएल है, क्योंकि अगर आपने बिना साइज बताए टी शर्ट ले लेते हैं तो दोबारा वो आपको चेंज करके नहीं देंगे, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। देखो ये आपका फ्रंट व्यू है इसका टी शर्ट का, जिस पर स्विगी का लोगो साफ साफ बना हुआ है, देखने में भी काफी अच्छी लग रही है और कलर भी इसका काफी अच्छा है। मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं मैंने इस वीडियो में आपको पहन के भी दिखाया है, आगे देखना इस वीडियो में। और इसी तरीके की एक दूसरी टी शर्ट भी है, दोनों का सेम साइज है, देखिए ये बैक व्यू है इसका, जिसपे इस पर भी लोगो बना हुआ है और इसपे फ्रंट साइड पे भी इसका लोगो बना हुआ है और इसकी आस्तीन पे भी आपका लोगो बना हुआ। इसमें जो मिली है आप और जो पहले मिली थी उसमें फर्क इतना है, ये हाफ आस्तीन की थी और ये फुल आस्तीन की है। सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब हम टी शर्ट पहनते थे पहली बार, इसके नीचे हमें शर्ट पहननी होती थी धूप से बचने के लिए। लेकिन क्या है, इस टी शर्ट में सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें फुल आस्तीन है और इसमें आपको टी शर्ट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपकी धूप से भी सेफ्टी रहेगी। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। अगर धूप में, बारिश में अगर आप रहेंगे, रखेंगे इसको या टच में रहेंगे धूप या बारिश के, तो ये जल्दी से खराब होने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसे पहनने के बाद आपको गर्मी नहीं लगेगी। कॉटन का कपड़ा है, कॉटन और इसमें प्लस रेशमी दोनों कपड़ा, दोनों धागा इसमें मिक्स है और मेरा एक्सपीरियंस से अच्छी क्वालिटी है, और बाकी तो पहनने के बाद मालूम होगा। और अब मैं बात करता हूँ बैग की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बिना खोले इस बैग को दिखा देता हूँ, फ्रंट व्यू ये है इसका और बैक व्यू ये है। अगर स्टेप की बात की जाए तो काफी मजबूत स्टेप है, काफी मजबूत बंद है इसके, आप देख सकते हैं। और बैक साइड में भी इसके एक चेन है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पूरी बैक साइड में इसके एक चेन है और ये वाटरप्रूफ बैग मालूम पड़ता है। अगर ये बैग अगर आपका बारिश में भी भीगता है तो इसमें पानी नहीं जाने का। मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार, देखिए अगर जब मैं इसको खोलता हूँ तो फ्रंट साइड पर यानी कि ऊपर टॉप की साइड में भी इसमें क्या है, एक लोगो बना हुआ है स्विगी का और एक स्विगी एक इसमें एक्स्ट्रा जिप दी गई है, चेन दी गई है कि अगर आपको कुछ सामान वगैरह रखना है तो वो इसमें आप आसानी से रख सकते हैं। ये इसमें चेन वगैरह है, मैं इसको खोल कर देखता हूँ क्या कंडीशन है इसकी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर इन्होंने चेन दे रखी है, बट एक्चुअली क्या है, ये कोई जेब नहीं है, ये शायद लॉक मालूम पड़ती है,
अब जैसे कि पूरी तरीके से खुल गई है, डबल चेन मालूम पड़ती है, एक चेन ऊपर से दे रखी है और एक चेन नीचे से दे रखी है, ये अंदर से खुल रही है दोस्तों, ये खुल रहा है, ये देखिए, ये काफी इन्होंने अच्छा पार्टीशन दिया है कि अगर आपको कोई सामान वगैरह रखना है तो आप इसलिए इसमें रख सकते हो, काफी सेफ भी, आप देख सकते हैं अंदर भी इसमें रेक्सिन वगैरह, और ये वाटरप्रूफ लेयर, वाटरप्रूफ ये कुछ पेपर इसमें लगा हुआ है कि अगर ऊपर से पानी गिरता है तो नीचे जल्दी से नहीं जाएगा। और अब मैं आपको अंदर से खोल के अंदर से दिखाता हूँ इसका रीजन क्या। सबसे पहले आप इसका साइज देख लेते हैं, साइज लगभग इसका जो है वो 15x15 का है, 15 इंची चकोर, 15 इंची लंबा है और 15 इंची चौड़ा है, और लगभग 15 से 18 इंची ऊंचा भी है, आप देख सकते हैं पूरा साइज देख सकते हैं इसका। देखिए काफी बड़ा बैग है कि इसमें अगर बड़ा से बड़ा पार्सल भी होगा तो आसानी से आ सकता है। दूसरा इसमें ये देखिए आप, अंदर जो है रेक्सिन लगी हुई है, रेक्सिन का फायदा ये होगा कि अगर आपका खाना इसमें गर्म रखा जाता है तो खाना गर्म ही रहेगा, जल्दी से ठंडा नहीं होगा, और वाटर प्रूफ मालूम पड़ता है जैसे मैंने आपको बताया, और अंदर से रेक्सिन वगैरह लगी हुई है, फोम वगैरह लगी हुई है कि अगर बारिश में भीगता है तो जल्दी से इसमें बारिश का पानी भी नहीं जाएगा। और मैं तुम्हें इसके और बेनिफिट दिखा देता हूँ, अंदर से इसमें स्टेप वगैरह भी लगे हुए हैं कि अगर आपको कोई चीज़ में रखनी है, स्टेप्स अगर आपको बांधना है कि आप सामान लेके जा रहे हैं, और जो बाइक से आप डिलीवरी करते हो तो मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट करने से क्या होता है, हिलने से पार्सल गिर जाता है, खाना गिर जाता है आपका, तो इसमें क्या है स्टेप लगा हुआ है जिससे आप स्टेप से आसानी से बांध सकते हैं। अब साइड से मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें एक लेयर और है नीचे, ये डबल लेयर दे रखी है, एक लेयर इसके बॉटम में है, तली में है, एक ये है और एक साइड में है, देख सकते हैं आप इस साइड में जो बोतल दे रखी है इन्होंने, ये इसके लिए दे रखी है, जैसे कि अगर आप कोई पार्सल के साथ कोई पेप्सी वगैरह होती है, कोई लिक्विड वगैरह, कोई पानी की बोतल वगैरह है, तो आप इसमें आसानी से साइड में रखते हैं, यहाँ रख सकते हैं इसे, जिससे कि आपका वन साइड में यहाँ आप खाना रखिए और यहाँ बोतल वगैरह रखिए पेप्सी की या पानी की, तो उससे क्या होगा कि आपका खाना और पानी आपस में अलग अलग रहेंगे, एक खाना गर्म रहेगा, पानी या पेप्सी ठंडी रहेगी और आपस में मिक्स होंगे तो क्या होगा, नुकसान होगा आपका, या तो खाना खराब हो जाएगा या वो खाना ठंडा हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वेस्ट होगा, उससे बचने के लिए कंपनी ने इस बैग में पार्टीशन दे दिया है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जो पार्टीशन दिया है इसका बराबर से आप यूज कर सकते हैं। और बाकी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ और फुल तरीके से, जैसे कि मैंने बताया है इसी तरीके से आप इस चीज को जब भी आप डिलीवरी करेंगे पूरी तरीके से पार्सल को यूज करेंगे। देखिए आप अब आप पूरा देख सकते हैं बैग को, खुला हुआ है पूरा बैग, दो पार्टीशन इसके साफ साफ हैं, और ये आपका मैंने बताया लिक्विड वगैरह बोतल वगैरह रखने के लिए पार्टीशन दे रखा है, खाने के लिए पार्टीशन दे रखा है, और ये सामने अगर आप पर्सनली कोई चीज इसमें रखना चाहते हैं अपनी मोबाइल वगैरह कुछ, तो चार्जर वगैरह यहाँ आप इजीली रख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसमें ऊपर से इसको बंद करने के लिए इन्होंने जो है वैक्सीन दे रखी है, चेन तो नहीं दे रखी इसमें लेकिन वैक्सीन दे रखी है, और अपना प्लास्टिक का लॉक दे रखा है, इसको तीन साइड से इस वैक्सीन से इस चिपकन से लॉक कर सकते हैं, इस तरीके से इसको लॉक करना है, इसको इस तरीके से बंद करना है, वन साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड, और फिर ये लॉक करने के लिए इन्होंने प्लास्टिक का एक यहाँ इन्होंने लॉक दे रखा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो में मैंने टी शर्ट बैग को किस तरीके से खोलना है, किस तरीके से यूज करना है, क्या साइज है इसका, क्या कलर है, पूरा बताया है, और साथ में ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये आपको कब मिलता है बिल्कुल फ्री, इसका कोई मुझे कॉस्ट नहीं देना पड़ा, कोई रेट नहीं देना पड़ा, कोई पैसा नहीं देना पड़ा, जो स्टार्टिंग में 450-450 रुपये मैंने दिए थे ज्वाइनिंग के टाइम पे वो ही दिए हैं। अब ये दोबारा मुझे मिला है, एक टी शर्ट, दो टी शर्ट रहेगी, इसकी क्वालिटी, इसका किसको यूज कर, कैसे यूज करना, कैसे खोलना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को कि स्विगी में जब आप ज्वाइनिंग लेते हैं और ज्वाइनिंग के 6 महीने के बाद जब आपकी पूरी ज्वाइनिंग पूरी हो जाती है, इट मींस जब आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं काम करते हुए, तो स्विगी कंपनी अपने ओल्ड राइडर को एक मैसेज देती है बैग के लिए और टी शर्ट के लिए, और अगर हाँ अगर बारिश वगैरह रेन वगैरह अगर होती है तो उसके लिए भी मैसेज देती है
कि आप अपने ऑफिस से यानी अपने एरिया के स्टोर में जाइए, ऑफिस में जाइए स्विगी के, और वहां से आप बैग और टी शर्ट कलेक्ट कीजिएगा। वहां जाके आपको कुछ नहीं करना होता, एक फॉर्म फिलअप करना होता है, कैसे करना होता वहां पर आप जाएंगे आपको सब कुछ बता दिया जाता है। तो इसके लिए जब आपको दोबारा कंपनी मैसेज करती है यानी कि दोबारा आपको टी शर्ट और बैग देती है, तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट देना नहीं पड़ता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। साथ में आपको दो टी शर्ट और एक बैग देती है, प्लस में रेनकोट वगैरह, अगर बारिश अगर होती है तो आपको रेनकोट भी देती है। साथ में अगर आपका बैग वाटरप्रूफ नहीं है तो उसका कवर भी देती है। और अगर साथ में अगर स्विगी को लगता है कि आपको राइडिंग के दौरान या डिलीवरी के दौरान किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो वो भी अपने राइडर को देती है। तो दोस्तों मैंने सारे पॉइंट को इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ एक लेटेस्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।